ए बच्चों इस वीडियो में टेंथ क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर सिक्स ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.5 कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेटमेंट क्या है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लीजिए हमारे पास एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है दिस इज एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड क्योंकि सारी साइड इक्वल है इज इक्वल टू फोर टाइम्स द स्क्वेयर ऑफ वन इज एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड जो होगा वो उसका मीडियम भी होगा बहुत बार मैं बता चुका हूँ अगर मैं एल्टीट्यूड ए डी लेता हूँ तो ये इसका मीडियम भी होता है इन इक्विलेटरल ट्रैंगल सॉल्यूशन देखिए वी आर गिवन इन ट्रैंगल ए बी सी ऑल साइड्स आर इक्वल ए बी इज equal टू बी सी इज to टू सी एंड ए डी इज ए डी परपेंडिकुलर बी सी आल्सो इन्होंने नहीं दिया हुआ बट ये प्रॉपर्टी होती है ए डी इज मीडियन ऑफ बी सी ठीक है अब ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी ले रहे हैं हम एंगल डी इज एंगल डी इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस ए बी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी ए डी प्लस बी डी ठीक है अब हमें तो सिर्फ ए डी और ए बी में चाहिए क्योंकि इन्होंने एक साइड और एक इसके एल्टीट्यूड की बात की हुई है सो ए बी इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर बी डी जो है वो हाफ ऑफ बी सी होगा प्लस बी सी अपॉन टू का स्क्वायर बट बी सी इक्वल है ए बी के इक्वल तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ए डी स्क्र प्लस ए बी अपॉन टू का स्क्वायर सो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर अपॉन फोर फोर से मल्टीप्लाई करते हैं फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर ऑफ ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ऑफ ए डी स्क्र प्लस का ए बी स्क्र फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा ए बी स्क्र इधर ले आइए क्या बचेगा थ्राइस ऑफ ए बी स्क्र इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ ए डी स्क्र ए बी क्या है इसकी साइड सो थ्री टाइम द स्क्र ऑफ वन साइड इज इक्वल टू फोर टाइम्स द स्क्र ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड हमारे पास क्या हो गया ए डी हो गया हैं तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था स्क्रीन ले सकते हैं आप चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेवनटीन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन स्टेटमेंट है इन ट्रेंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर ए सी इज इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड बी सी टू सिक्स सेंटीमीटर द एंगल बी इज ये बी पूछ रहे हैं कितना होगा पाइथागोरस थ्योरम से सम कर रहे हैं हम यहां पे सो अगर ए सी एसी स्क्र इज इकल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बीसी स्क्वेयर आ जाए तो एंगल बी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का यही हमने चेक करना है सॉल्यूशन देखिए हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इकल टू सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर ए सी इज इकल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड बी सी इज इकल टू सिक्स सेंटीमीटर सो मैं पहले एसी स्क्वेयर क्योंकि सबसे बड़ी है एसी स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी ट्वेल्व का स्क्वेयर क्या हो गया वन फोर्टी फोर ए बी स्क्वेयर सिक्स रूट थ्री का स्क्वेयर जब आप करेंगे सिक्स थर्टी सिक्स इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री सो दिस इज वन जीरो एट हो जाएगा एंड देन बी सी स्क्वेयर सिक्स का स्क्वेयर जो होगा वो थर्टी सिक्स हो गया अब ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर को ऐड करें ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर दिस इज वन जीरो एट प्लस का थर्टी सिक्स क्वल टू वन फोर्टी फोर और ये किसके इक्वल है ए सी स्क्वेयर सो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर सो एंगल बी इज कितना हो गया नाइन्टी डिग्री एंगल बी हमारे पास कितना होगा नाइन्टी डिग्री तो बहुत ही आसान सा था चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत